हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता सिंह आज आपको कक्षा 9 के अध्याय 5 को पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा उनके प्रकार। तो कंप्यूटर जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का जो विद्युत यांत्रिक भाग होता है, इलेक्ट्रॉनिक भाग होता है, जिसको कि हम आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, मॉनिटर हो गया, इन सबको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो ये सभी जो है हार्डवेयर डिवाइसें कहलाती हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ये जो है विद्युत यांत्रिक भाग है, इलेक्ट्रॉनिक भाग है कंप्यूटर के। अब जो हार्डवेयर होता है वो भी तीन भागों में विभक्त होता है, इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई और प्रोसेसिंग इकाई। तो सॉफ्टवेयर जो होता है, ये तो हुआ आपका हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता द्वारा तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, अर्थात कंप्यूटर को संचालन हेतु तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे भी आपको वर्क करना होता है उसके अनुसार कई प्रकार के प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, और ये सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों नहीं होते तब तक आप कंप्यूटर पर कार्य नहीं करते हैं। यदि आपको अच्छा हार्डवेयर दे दिया जाए और आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कितना भी महंगा कंप्यूटर हो आपके लिए यूजलेस है। उसी तरह से अगर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर दे दिया जाए और हार्डवेयर नहीं है तो उस सॉफ्टवेयर बहुत उपयोगी होने के बावजूद भी आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको चलाने के लिए आपके पास हार्डवेयर नहीं है। तो इस तरह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि जो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार की, वैसे तो जो सॉफ्टवेयर है वो अनेक प्रकार के होते हैं और उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन्हीं दोनों को विभाजित करके जो है वर्गीकरण करके कई जो किया गया है, और कुछ जो सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये इस चैप्टर में आपको जो है सॉफ्टवेयर के जो है चार प्रकारों के बारे में दिया गया है, और ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसका निर्माण कंप्यूटर की के जो है विभिन्न भागों को चलाने के लिए करते हैं। ये जो है ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर की समस्त कार्य प्रणालियों को संचालित व नियंत्रित करता है। तो वह सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर समस्त कार्य प्रणालियों को संचालित और नियंत्रित करता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये प्रोग्राम प्रयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करने में सहायक होते हैं। कंप्यूटर आपका तभी चलेगा जब उस पर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये भी तीन भागों में विभाजित किया गया है, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर
सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर, सहायक सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो है सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर जो होता, बात करते हैं हम पहले सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ये आपका पहला हुआ, ये दूसरा प्रकार हुआ और ये दूसरा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपके तीन प्रकार के होते हैं। तो जो सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर की, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, मतलब कंप्यूटर पर चल रही प्रत्येक क्रिया को नियंत्रण करने का कार्य जो है सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर ही करता है। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी एक सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए जाने वाला पहला सॉफ्टवेयर होता है और ये कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है, जो डिवाइसें होती हैं उनको नियंत्रित करता है और या उनको चालू करने का कार्य करता है, और कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको जो है लोड करने, उनको चलाने के लिए जो है ये मदद करता है। तो इस तरह से यूजर, प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच जो है इंटरफेस का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इस तरह से ये क्या है, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर। और सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम की समस्त प्रणालियों को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। फिर आता है सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं जो कि अगर कंप्यूटर में न भी हो तो उनका जो है आपका कार्य हो जाता है, लेकिन उनके उनका प्रयोग करने से आपका कार्य और आसान और अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, मॉनिटर का डिवाइस ड्राइवर, डिस्प्ले प्रोग्राम है, ड्राइवर प्रोग्राम है। अगर वो, अगर आप डिस्प्ले देखते हैं तब भी आपको दिखाई देता है, लेकिन अगर वो डिवाइस ड्राइवर अगर आप उसका लोड करते हैं आप, तो आपको और अच्छी क्वालिटी की पिक्चर दिखाई देगी। तो गेम का सॉफ्टवेयर हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर पे वायरस ना आए, नहीं भी है तब भी आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, लेकिन अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में लोड है तो आप उनका जो है अपने कंप्यूटर पे वायरस को चेक कर सकते हैं और आप कंप्यूटर में जो है वायरस को जो है रिमूव कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तब भी आप कंप्यूटर पे काम भी करते हैं, लेकिन वायरस आने की स्थिति पे आप कंप्यूटर जो है आपका सही तरह से वर्क नहीं करता है। तो इस तरह से जो है सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटर, बैकअप यूटिलिटी, ये सभी जो है सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को की कार्यप्रणाली को और को जो है और तेज गति से बढ़ाते हैं। फिर अगला है हमारा सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो होता है, जब बाजार में आपको कई प्रकार के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जो कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग करके जो अलग अलग कंपनियां होती हैं वो अपना एक अलग सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयर बनवाती हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम को अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर विकसित करने में जो है मदद करते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्माता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि मशीनी भाषा में होते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्माता जो है भाषा अनुवादक सिस्टम जो है, तो ये सभी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा आता है भाषा अनुवादक। तो ये सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार है। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर भाषा अनुवादक प्रोग्राम जो है,
ये सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है, क्योंकि जब भाषा अनुवादक की जरूरत हमें वहां पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है अपनी समस्त कार्यप्रणाली को मशीनी भाषा में करता है। तो जहाँ पे जब वो मशीनी भाषा में करता है, तो आपके लिए जो उपयोगकर्ता यूजर के लिए जो है प्रोग्रामर जो होता है उसको प्रोग्राम करना आसान नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए उसको मशीन भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तो जो सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, भाषा अनुवादक जो है ये भी एक सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। भाषा अनुवादक का प्रयोग करके हम जो हमारी उच्च स्तरीय भाषा में जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम निम्न स्तरीय भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, और निम्न स्तरीय भाषा की प्रोग्रामिंग को उच्च स्तरीय भाषा में बदला जा सकता है। तो इस तरह से जो तीन प्रकार के भाषा अनुवादक होते हैं, और इसमें आता है ये भी भाषा अनुवादक भी, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, असिमिलर कंपाइलर और अगला है इंटरप्रेटर। असेंबलर कंप्यूटर में जब पहले बाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद असेंबली भाषा आई, तो असेंबली भाषा में इंग्लिश के कोड्स प्रयोग किए जाते थे जिनको हम न्यूमेरिक कहते थे। तो असेंबलर का प्रयोग जो है असेंबली भाषा का प्रयोग हम कंप्यूटर में नहीं कर सकते थे, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा में अपने कैलकुलेशन को करता है, निम्न स्तरीय भाषा में कैलकुलेशन को करता है। तो उस केस में जो है असेंबली भाषा को जो है बाली भाषा परिवर्तित करने की आवश्यकता हुई, और यह कार्य जो है असेंबलर के द्वारा किया गया। तो केवल असेंबली भाषा के प्रोग्रामों को कन्वर्ट करने का काम, परिवर्तित करने का काम जो है असेंबलर करता है, और ये जो है अलग अलग कंप्यूटर के लिए असेंबलर का प्रोग्राम अलग अलग होता है। इसी तरह से इंटरप्रेटर आता है, कंपाइलर आता है। कंपाइलर जो है यह भी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य तो करता है, लेकिन यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम के एक एक निर्देश को अनुवादित व क्रियान्वित करता है। जैसे आपने एक निर्देश दिया वो क्रियान्वित होगा, उसके बाद ही अगला निर्देश क्रियान्वित होगा। अगर आपका निर्देश गलत है तो आगे के निर्देश आप नहीं लिख सकते हैं, आगे आपको सही करने के बाद ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो कंपाइलर है वो उच्च लिखे सॉरी